अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आप लोगों का आईटी इंस्ट्रक्टर। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं स्क्रीनशॉट से। अब स्क्रीनशॉट क्या काम करता है? स्क्रीनशॉट जो है यहां पे जैसे मोबाइल में हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, बिल्कुल सेम यहां पे भी आप स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट की जरूरत तब पड़ती है जब हम किसी चीज के बारे में लिखते हैं। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर दूं और यहाँ पे आ जाऊं, मुझे ये पिक्चर जो है यहाँ पे इंसर्ट कर। अब इसी पिक्चर को मैं कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ? स्टार्ट में हम क्या करते थे कि यहाँ पे कीबोर्ड में एक बटन है फ्रंट स्क्रीन के रैम पे, उसको प्रेस करके फिर किसी और प्रोग्राम में लेके जाते थे, वहां पे कटिंग वगैरह करके फिर यहाँ पे एमएस वर्ड में हम लेकर आते थे पिक्चर को। मगर आज के जो लेटेस्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसमें आपको ये फैसिलिटी जो है दिया है कि आप इजीली विद इन वन क्लिक किसी भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने उस पिक्चर को ओपन किया और वो ओपन है, मैंने उसको मिनिमाइज नहीं किया है ना मैंने हाइड किया है, तो डायरेक्टली मैं आ गया हूँ एमएस वर्ड पे। और एमएस वर्ड में जैसे स्क्रीन शॉट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे स्क्रीन शॉट में मुझे वो वाला पिक्चर नजर आता है, और जैसे मैं इस पिक्चर पे क्लिक करता हूं तो ये पिक्चर डायरेक्टली इंसर्ट होता है। सो दिस इज द वर्क ऑफ स्क्रीनशॉट। या इसी तरह मुझे इस पिक्चर में स्पेसिफिक एरिया कट करना है। लेट सपोज मुझे ये रेक्टेंगल एरिया जो है इसी को लेकर आना है, तो इसको मैं कैसे लेकर आ सकता हूं? विद इन वन क्लिक मैं इसको यहां पे लेकर आ सकता हूं। इसी स्क्रीनशॉट पे मैं क्लिक करता हूं और इस स्क्रीनशॉट में यहां पे एक मजीद दूसरा ऑप्शन है स्क्रीन क्लिपिंग के नाम। तो स्क्रीन क्लिपिंग का काम यह है कि ये क्लिप कर देता है पिक्चर को, स्पेसिफिक एरिया को कट कर देता है। जैसे ये स्क्रीन जो है ये चेंज हो चुका है और इसके बाद मैं सिलेक्शन करता हूं, अब मुझे इस एरिया का सिलेक्शन करना है, तो जिस एरिया को मैं सिलेक्ट करता हूं वही एरिया जो है यहाँ पे इंसर्ट होता है। देखिए यहाँ पे ये पिक्चर इंसर्ट हो चुका है। तो आप इजिली जो है किसी भी पिक्चर को स्नैप कर सकते हैं या उसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। सो दिस इज द वर्क ऑफ स्क्रीन क्लिपिंग। तो एक स्क्रीनशॉट है जो मुकम्मल स्क्रीनशॉट लेता है और एक होता है स्क्रीन क्लिपिंग, स्पेसिफिक एरिया का पिक्चर लेता है। इसके बाद यहाँ पे गेट एड एंड, नॉर्मली यहाँ पे ये चीजें जो है हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? लेट सपोज मुझे यहाँ पे कुछ डिफरेंट एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है रिलेटेड टू एमएस ऑफिस। अगर एमएस ऑफिस से रिलेटेड एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करनी है तो आप इजीली यहां से ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे इमोजी इंस्टॉल करनी है तो मैं इस पे क्लिक करता हूं। ये याद रखें कि यहां पे इंटरनेट की जरूरत होती है, जब तक इंटरनेट ना हो तब तक ये काम नहीं करता। आप देख सकते हैं एमएस ऑफिस रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन है वो सब के सब यहाँ पे मौजूद है। किसी भी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इमोजी और इमोजी पे क्लिक करके मैं इसको ऐड करता हूं, और जैसे मैं ये ऐड करता हूं आप देख सकते हैं यहाँ पे इमोजी ऐड हो चुके हैं। अब मैं इसी इमोजी को यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूं इजीली, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं और इसके बाद यहाँ पे, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये पिक्चर यानी इमोजी जो है ये ऐड हो चुके हैं। और किसी भी इमोजी को इंसर्ट करने के लिए आप उस इमोजी पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे ये आपके सामने जो है ये इंसर्ट होगा। तो ऐसे आप किसी भी एप्लीकेशन को रिलेटेड टू एमएस ऑफिस आप यहां से इंसर्ट कर सकते हैं। मगर ये याद रखें जैसे हम प्ले स्टोर पे जाते हैं, जीमेल अकाउंट पे एंटर होते हैं, तो यहाँ पे भी आपसे जो है माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट जो है वो लेते हैं। तो जब तक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट जो है वो साइन इन ना हो आप इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल सेम प्ले स्टोर की तरह काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पे है ऑनलाइन वीडियो, और ऑनलाइन वीडियो अगर इंसर्ट करनी है तो आप इस पे क्लिक कर दें, अगर इंटरनेट जो है वो मौजूद हो, या यूआरएल को कॉपी कर दें यूट्यूब के यूआरएल, या इसी तरह जो भी वीडियो उस वीडियो पे राइट क्लिक कर दें, उसका एड्रेस जो है वो कॉपी कर दें, यहाँ पे पेस्ट कर दें और इंसर्ट पे क्लिक कर दें, तो यहाँ पे वो वीडियो जो है वो इंसर्ट हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या काम करता है? हाइपर लिंक जो है लिंक बनाने के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिंक क्रिएट कर सकता हूँ किसी भी फाइल के साथ, या लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ मैं एक वेबसाइट के साथ, तो विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के है,
इसी के थ्रू मैं क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ लिंक, अब मुझे लिंक क्रिएट करना है, तो मैं इसी लिंक पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद हाइपर लिंक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक फाइल सेलेक्ट करता हूँ। अब फाइल जो है वो जहां पे भी हो आप उसे सेलेक्ट कर दें, जैसे मैं कैम वन का फाइल जो है ये सेलेक्ट करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, तो इसके साथ जो है लिंक क्रिएट हो चुका है। अगर इसको ओपन करना है तो कंट्रोल प्रेस करके आप इस पे क्लिक कर दें तो फाइल जो है ये डायरेक्टली ओपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल को प्रेस करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर दें तो देखिए ये फाइल जो है ओपन हो चुका है। इसी तरह अगर आप वेबसाइट के साथ जो है लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ गूगल, मैं इसको खत्म करता हूँ, एक न्यू गूगल मैंने लिख लिया और इसके बाद कंट्रोल प्लस के मैं प्रेस करता हूँ और यहाँ पे एक एड्रेस देता हूँ जैसे www.google.com, तो ये google.com मैंने लिख लिया, ओके। अब ये आप देख सकते हैं अब ये एक लिंक क्रिएट हो चुका है गूगल के साथ, और जैसे मैं इस पे क्लिक करके गूगल को ओपन करना चाहता तो इजीली गूगल को मैं ओपन कर सकता हूँ अगर इंटरनेट मौजूद हो तो। ये आप देख सकते हैं गूगल जो है ये ओपन होता है, मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये आप देख सकते हैं गूगल ओपन हो चुका है। इसके बाद बुकमार्क है, और बुकमार्क का काम क्या है, बुकमार्क का काम नॉर्मली ये है कि अगर आप एक जगह पे निशान रखना चाहते हो तो इस चीज के लिए यूज होता है। जैसे मैं यहाँ पे लेट सपोज टेक्स्ट लिखता हूं, ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया, अब इसी टेक्स्ट को मैंने रीड करना है, लेट सपोज मैंने इसको यहां तक रीड किया है, यहां तक मैं इसको बंद करना चाहता हूं तो मुझे कैसा पता चलेगा कि मैंने कहां तक रीडिंग किया। अब यहां पे एक निशान जो है वो देना है, तो इस निशान को देने के लिए बुकमार्क पे आना होगा, बुकमार्क पे मैं क्लिक करता हूं, यहां पे एक निशान देता हूं डबल ए के नाम पे और ऐड किया मैंने। अब अगर मैं इस फाइल को बंद भी कर दूं, वापस आ जाओ, अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो उसी जगह पे जाना चाहता हूं तो बुकमार्क पे क्लिक करके डबल ए इसको सेलेक्ट करता हूं और गो टू पे क्लिक करता हूं तो मुझे डायरेक्टली उसी जगह पे लेके जाता है। सो दिस इज द वर्क ऑफ बुकमार्क। या मैं यहां पे आता हूं, बुकमार्क का कलर जो है मैं चेंज भी करता हूं ताकि आप लोगों को नजर आ जाए, ये आप देख सकते हैं मैंने इसको चेंज कर लिया और इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और F5 जैसे मैं प्रेस करता हूं तो बुकमार्क ओपन होता है और यहां पे SS के नाम पे मैंने बुकमार्क को ऐड कर लिया, सेकंड बुकमार्क जो है ये मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे वहां पे जाना है तो जाने के लिए बुकमार्क पे क्लिक कर दें और उसके बाद SS पे क्लिक करके गो टू पे क्लिक कर दें तो डायरेक्टली आपको उसी जगह पे लेके जाता है। सो दिस इज द वर्क ऑफ बुकमार्क, कंट्रोल शिफ्ट और F5 इसके शॉर्टकट की है। इसके बाद क्रॉस रेफरेंस है। अब क्रॉस रेफरेंस जो है अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दे तो वो क्रॉस रेफरेंस का काम करता है, स्पेसिफिक एरिया पे ये भी जंप मारता है और उसके साथ साथ जो है लिंक भी क्रिएट करता है। क्रॉस रेफरेंस नॉर्मली यहाँ पे डिफरेंट चीजों पे काम करता है, सिर्फ बुकमार्क नहीं है, मजीद जो है हेडर फुटर वगैरह या इसी तरह हेडिंग वगैरह अगर वो भी मौजूद हो तो उस पर भी काम कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ और क्रॉस रेफरेंस जो है मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं दिया, तो चलो मैं बुकमार्क पे जाता हूँ, दो बुकमार्क मैंने इंसर्ट किए, वन AA के नाम पे और दूसरा जो है SS के नाम पे, तो SS के नाम पे वो रेड कलर वाला है तो मैं उसी को ओपन करता हूँ और उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ये वाला ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे इस बुकमार्क का लिंक भी क्रिएट है ऊपर वाला जो बुकमार्क था उसी के साथ, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे डायरेक्टली वहां पे ओरिजिनल एरिया पे लेके जाता है। तो दिस इज द वर्क ऑफ क्रॉस रेफरेंस। अगर हम देखें तो लिंक और बुकमार्क दोनों का कॉम्बिनेशन है क्रॉस रेफरेंस। इसके बाद यहाँ पे है कमेंट, और कमेंट किस चीज के लिए यूज होता है, कमेंट जो है अपने राय देने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, अब मैं किसी को देता हूँ कि इसका प्रूफ रीडिंग करें, अब अगर इसमें कोई मिस्टेक वगैरह हो तो वो मुझे कैसे बताएगा कि यहाँ पे मिस्टेक है, इसी मिस्टेक को शो करने के लिए कमेंट का ऑप्शन मौजूद है तो इस पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आप अपना कमेंट जो है वो टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ कमेंट, और यहाँ पे कमेंट जो है वो पास कर सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं कमेंट, और ये कमेंट मैंने पास कर दिया। तो वीडियो इतना ही, कीप वॉचिंग अस, अल्लाह हाफिज़।